आप जानते ही हैं हम तो 77 में विधानसभा का चुनाव हम नहीं जीते थे, हार गए थे, लेकिन हम बराबर उनके यहाँ लोग जाते ही रहते थे, उनकी एक एक बात मानते थे। आप समझ लीजिए और उसका अगर वो रहे रहे नहीं तो तबियत खराब ना हो, वो चले गए। लेकिन बहुत लोग जो कई तरह के बाप कुछ कुछ बोलते रहते थे आपको देर से, वो भूल गए। यार आपको मौका मिल गया है, जेपी ने अवसर दे दिया, और नाम जो रखे थे जनता पार्टी तो अलग हो करके भी अपना लाख नाम कुछ और बदल करके रख लिए थे, उनका नंबर आज तरफ तरह की बात बात करते रहे, सब छोड़ देते उन लोगों को क्या मतलब। अरे जेपी का जो रिश्ता था और जो था उसको समाजवादी विचार थी, और देश को एक करने का ना, समाज के हर तबके को एक साथ रखने का, किसी के खिलाफ नहीं, समाज के हर तबके को एक साथ रखने, हिंदू मुस्लिम कोई भी कम्युनिटी का हो, सिख ईसाई कोई भी, सब लोग मिलकर के चले, ये सब जेपी का विचार था। आज तक तो लोग देख रहे हैं कि आपस में झगड़ा कितना लगवा रहे हैं, इस देश में कोशिश कर रहे हैं, तो याद रखिए। और बहुत लोग जेपी का नाम ले लेकर के गलत जगह पर चले गए। मैं तो रणवीर नंदन को बधाई देता हूं, उस जगह को छोड़ करके आज जेपी के लिए सभी मांगे सब लोगों को सोचना चाहिए कि जेपी क्या थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण क्या थे, क्या सोचते थे। आज जब लोग जो समाज की एकजुटता के खिलाफ और झगड़ा करने वाले हैं उनके बदल पर क्यों है, उनके साथ नहीं रहना चाहिए, ये बात याद रखिए। अगर जेपी को याद रखते हैं तो याद रखिए, जेपी के विचारों को याद रखिए। और ठीक कहा, क्या आंख बंद करके कुछ मत सोचिए, एक एक बात को सोच लीजिए। ये ठीक कहा उपेंद्र चंद्र महाराज, इन सब चीजों को याद रखिए।